दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों आपको हाथरस कांड के बारे में पता होगा। 14 सितंबर को 19 साल के एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उसे मारने की कोशिश की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि लड़की का 14 दिन तक अलग अलग अस्पतालों में इलाज चला, लेकिन दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और आधी रात के समय ही पुलिस ने जबरन उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था और हाथरस वाली याचिका पर 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका लगाने वाले ने मांग किया था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच कराए और यूपी की सरकार इस मामले में सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हो गई थी। एक और बात आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार का सुरक्षा का डिटेल्स मंगाया और सुनवाई अगले हफ्ते पर टाल दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि हाथरस गैंगरेप मामले में सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस हो रही है और इस मामले में यूपी पुलिस पर कई आरोप लग रहे थे, लेकिन यूपी की पुलिस ने इस मामले में एक सनसनीखेज दावा किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का दावा है कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी के बीच फोन पर बातें होती थी। कॉल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया टुडे के राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यहां तक बताया है कि दोनों पक्षों के बीच कब से बातचीत हो रही थी और कुल कितने बार फोन किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले में लड़की के परिवार के लोग पहले ही कह चुके थे कि आरोपियों के परिवार से उनकी कोई बातचीत नहीं होती थी। अब इस मामले में क्या सच है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, पुलिस ने पीड़ित के परिवार की फोन नंबर की जांच किया था और हाथरस के जो आरोपी थे उनके फोन का भी जांच किया गया था। दोनों पक्षों के कॉल के डिटेल निकलवा कर देखा गया और इस जांच में पता चला कि मनीषा के भाई के फोन से संदीप सिंह के मोबाइल नंबर पर फोन आता भी था और फोन किया भी गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने दोनों पक्षों के नंबर जांच करने पर पाया कि दोनों पक्षों के बीच लगभग 104 बार फोन किया गया था, जिसमें 62 आउटगोइंग और 42 इनकमिंग कॉल हैं। दोस्तों पुलिस की इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।